आज हम जिस एक्टर के बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं, उनका बेटा आज एक जालामाला स्टार है जो बॉलीवुड ही नहीं साउथ सिनेमा में भी जलवा बिखेर रहा है। उस हीरो का देश के विभाजन के बाद पूरा जीवन अचानक बदल गया था। इस एक्टर का हीरो बनने का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। उन्होंने अपने करियर में 21 फिल्मों में काम किया था और आज भी लोग उनके अभिनय के बारे में चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि हिंदी सिनेमा के इस अभिनेता को हीरो बनने का मौका दिलीप कुमार की फिल्म के सेट पर मिला था। एक्टर ने तुरंत सेट पर कपड़े पहनकर स्क्रीन टेस्ट भी दिया, लेकिन अपनी माँ को दिए वादे के चलते उन्होंने पहली फिल्म का ऑफर ठुकरा दिया। अपने अभिनय करियर में इस हीरो ने कई हिट फिल्मों में काम किया, लेकिन एक फिल्म में इस एक्टर ने ऐसा कमाल किया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। हम जिस अभिनेता की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि सुनील दत्त हैं, जिनके बेटे संजय दत्त ने भी फिल्म जगत में अपने किरदारों से खूब वाहवाही लूटी है। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद 18 साल की उम्र में सुनील दत्त को अपना घर छोड़ना पड़ा था। इसके बाद साल 1947 में सुनील ने एक साल तक सेना में हवलदार के पद पर काम किया और लखनऊ से ग्रेजुएशन करने के बाद वो पढ़ाई के लिए मुंबई आ गए। मुंबई में अपने कॉलेज के खर्चों को पूरा करने के लिए सुनील दत्त ने परिवहन कंपनी BAST में रात की शिफ्ट में काम करना शुरू कर दिया था। यहाँ वो सभी बसों की देखभाल करते थे। पैसों की कमी के कारण वो कुर्ला में एक छोटे से कमरे में रहते थे। सुनील दत्त ने अपने कॉलेज के दिनों में थिएटर करना भी शुरू कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने एक रेडियो चैनल पर भी काम करना शुरू कर दिया और फिल्मी सितारों का इंटरव्यू लेने लगे। इसी तरह वे फिल्मी हस्तियों से मिलने लगे। जब सुनील दत्त ने अपनी पढ़ाई पूरी की तो फिल्मों में काम करना शुरू किया और शुरुआत से ही उन्होंने ऐसी पहचान बनाई कि कुछ ही समय में वे इंडस्ट्री में अपनी जड़ें जमाने में कामयाब हो गए। रेलवे प्लेटफॉर्म के बाद सुनील दत्त कुंदन, एक ही रास्ता, राजधानी और किस्मत का खेल जैसी कई फिल्मों में नजर आए, लेकिन उन्हें पहचान 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया से मिली। साल 1957 में सुनील दत्त ने फिल्म मदर इंडिया में नरगिस के बेटे का किरदार निभाया था, जिसने बॉलीवुड को दुनिया भर में एक नई पहचान दी। एक जिद्दी और अड़ियल लड़के बिरजू का किरदार निभाकर सुनील दत्त रातों रात स्टार बन गए थे। इस फिल्म में उन्होंने अपने किरदार से सभी को हैरान कर दिया था। इस फिल्म के बाद उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया और लंबे समय तक इंडस्ट्री पर राज किया। आपको बता दें कि सुनील दत्त ने अपने करियर में 1964 में फिल्म यादें की थी। सुनील ही इस फिल्म के लेखक, निर्देशक, निर्माता और अभिनेता थे। पूरी फिल्म में वह अकेले ही नजर आए थे। इस फिल्म का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त भी इंडस्ट्री में खूब नाम कमा रहे हैं। संजय दत्त और सुनील दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। मुंबई बम धमाकों के बाद जब संजय दत्त को जेल हुई तो सुनील दत्त ने अपने बेटे को जेल से छुड़ाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। गरीबी का ऐसा दौर आया कि पैसे की कमी के कारण सुनील को अपना घर बेचना पड़ा था। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप बॉलीवुड फिल्मों में रुचि रखते हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।